हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज है ट्रेड टॉक की सेकंड सीरीज़ में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस पे जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि उन्हें रिलायंस की वीडियो चाहिए। गाइस, उन्होंने कैसे बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्टॉक्स डाल सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि स्टॉक के बारे में आपको जानना चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में स्टॉक डाल सकते हैं। और अगर वो कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली वो स्टॉक पहले से ही किसी ने डाल रखा है या कमेंट कर रखा है, तो आप उस पर लाइक कर दीजिए। जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे पर्टिकुलर स्टॉक पर, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो जो मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे व्यूअर्स थे, उन लोगों ने जो सबसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक पे लाइक थे, वो था रिलायंस। तो रिलायंस आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। और रिलायंस पे अगर आपको ट्रेड टॉक सीरीज़ की पहला अगर स्टॉक के बारे में जानना, जो कि मैंने था HDFC, तो अगर आपको HDFC के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस जाननी है स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा मेरी ट्रेड टॉक की फर्स्ट एपिसोड का, और गाइस HDFC का आपको मिल जाएगा। या आप अगर आप आई बटन में यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको वो वीडियो शो कर जाएगी। सो अब बढ़ते हैं हम रिलायंस की तरफ। तो रिलायंस में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, क्या रिलायंस ऊपर जा सकता है इस लेवल से या नीचे आ सकता है? आप देखिए, मैं ये जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 5th of July, यानी कि बजट आ चुका है आज। अब रिलायंस किस तरीके से ट्रेड करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शायद मार्केट दोबारा गिर सकती है या बढ़ सकती है। वो जो भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस है, वो भी इस अब चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दी गई है। सो गाइस, किस तरीके से रिलायंस में ट्रेड लेना चाहिए, कुछ पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं क्या, ये प्रीवियस पैटर्न्स के साथ ही चल रहा है, किस तरीके से रिलायंस में हमें काम करना चाहिए, अब हम पूरी स्टडी करेंगे। इसके 4 या 5 फेजेस होंगे, या 5 सेटअप भी कह सकते हैं, या सिस्टम कह सकते हैं, जिसके बेसिस में आपको रिलायंस के बारे में सिखाया जाएगा। सो बढ़ते हैं रिलायंस के चार्ट की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप जो देख रहे हैं, मैंने ऊपर जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, वो ड्रॉ कर रखी है। जो बॉटम की ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, वो मैंने ड्रॉ कर रखी है। अभी हम शुरुआत से हल्का हल्का समझेंगे। तो ऐसे हमने बहुत सारे फेजेस बनाए हुए हैं रिलायंस के, जिसके बारे में हम हर टाइम स्टडी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें इसमें फोकस करना चाहिए कि आप देख सकते हैं रिलायंस एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है गाइस, एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, दोबारा नीचे आता है सपोर्ट की तरफ, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम हल्के हल्के इजी वे में स्टडी करते हुए चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिलायंस के अंदर किस तरीके की पोजीशन हमें लेनी चाहिए। सो अभी आपको आसान लग रहा होगा कि हमने 2 ट्रेंड लाइन्स आपको सिखा रहे हैं, पर आगे जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे, आपको इजी तरीके से सब समझ में आ जाएगा गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो ये चैनल है, इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब गाइस हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर हाईस तो बन रहे हैं और साइड में हायर लोज भी बन रहे हैं, यानी कि ये एक राइजिंग चैनल में चल रहा है, राइजिंग चैनल में चल रहा है। यानी कि रिलायंस को अगर हम इस फेज में देखें, अगर इस फेज के अंदर इस चैनल में देखते हैं, तो रिलायंस अभी बुलिश है, बुलिश है। तो हम क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ये फेज हमें क्या बता रहा है? हो सकता है गाइस आज जो इसने 20 से 30 रुपए की गिरावट दिखाई है, दोबारा ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करे और वहां से दोबारा उछाल दे दे और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ जाए। हो सकता है ये गाइस। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, कि आपको क्लियरली हो जाए कि अगर वैसा नहीं होता तो हमें किस तरीके से फिर काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस स्विंग लो है, ये प्रीवियस स्विंग लो पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सीधी, कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, मैंने ये राइजिंग चैनल आपको दिखा दिया, राइजिंग चैनल यहीं पर ही खत्म हो रहा है इसका सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। अगर बाय चांस बैंक रिलायंस इसके नीचे चले जाता है ट्रेड करने के लिए, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ये चैनल का ब्रेक डाउन होने पर यहाँ पर हमें रिलायंस की शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट नहीं लेना है। हमें कब लेना है, जब वो प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के नीचे जाती है गाइस। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरे, अपने 1260 के लेवल से नीचे गिरे, 1230 तक जाए और दोबारा बाउंस दे दे और अपने चैनल के अंदर दोबारा ट्रेड करना शुरू कर दे, तो यहाँ से जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फंस जाएंगे। सो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर रिलायंस इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है, तो हम वेट करेंगे जब तक ये इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस के अंदर ब्रेक नहीं करता। जब ब्रेक करेगा तब हम इसको यहाँ से नीचे तरफ शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, तब हम अपने नए टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे।
पर जिस तरीके से ये पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हायर हाईज हायर लोज है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, चैनल है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको दोबारा एक बार यहाँ प्रीवियस में दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करता था, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, दूसरी बार भी कोशिश करनी इसने चाही थी, हमने देखा था, तीसरी बार भी यही हुआ था। सो ये तो चलते रहेगा गाइस, पर अगर ये इसके नीचे जाता है तो हम अपने हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, पर अभी हम सिर्फ बाय के बारे में ही सोचेंगे, मतलब इस फेज की अगर हम बात करें। सो ये चैनल है, इस चैनल के अगर ये ऊपर जाता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 1400-1450 तक जा सकता है। अभी अपने चैनल के सपोर्ट लाइन पे ही है, एग्जैक्ट उस प्राइस पे है। सो मैं आपको क्या सलाह दूंगा इस फेज के अंदर, आप एक कॉपी और एक पेन रखा करिए, और जो भी मैं आपको ये वीडियो बताता हूँ पॉज करके आप अगर अपने स्टॉक अपने चार्ट्स के अंदर ये ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा गाइस। सो अब आपको क्या करना है, पहला फेज में अगर आपको डिसीजन लेना हो तो पहले फेज का डिसीजन ये है कि आपको रिलायंस बाय करना है। बाय करना है, बाय करने पे आपको क्या करना है गाइस, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना होगा वो आपको करना होगा इस ट्रेंड लाइन के हल्का सा नीचे, यानी कि अगर ये 1230 है तो 1225 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। बाय की पोजीशन कब इनिशिएट करनी है, कल हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन हो तो ये कहां तक जा सके और वहां से भी बाउंस दे सकता है गाइस, आपको दिखा देता हूं मैं। हो सकता है ये 1260 से ये अपने इस लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करे जहां से इसने मोमेंटम दी थी। इसका जो लो हमें शो कर रहा है वो है हम कह सकते हैं 1250 का लेवल। अगर ये आपको रिलायंस 1250 पे मिलता है सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1250 पे इस पे बाय पोजीशन इनिशिएट करिएगा। बाय पोजीशन इनिशिएट करने के बाद स्टॉप लॉस आपको जो रखना होगा वो 1225 का, और आप अपने हायर टारगेट्स की तरफ अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो आपका पहला टारगेट हम मान के चल सकते हैं 1290 जो कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है, सेकंड टारगेट 1300 का लेवल। अब हमें किस तरीके से पहला फेस में ट्रेड लेना था वो आपको बता दिया मैंने। ये एक चैनल के बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी पता चल गया, ये जो स्टॉप लॉस है आपको टारगेट भी पता चल गया, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और किस लेवल पे बाय करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं या अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको ये सलाह दी जा रही है बाय करने के लिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको इस लेवल पे बाय नहीं करना 1250 पे। तब आपको कब बाय करना है, अगर ये स्टॉक यहाँ से 2 दिन के अंदर नीचे आके 1230 के लेवल को छूता है, वहाँ 1 दिन कंसोलिडेट करता है, 2 दिन कंसोलिडेट करता है और फिर अप मूव दिखाता है, तो तुरंत आपको अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट कर लेनी चाहिए, सेफ ट्रेडर्स के लिए सलाह। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ। पहला फेज आपको समझ में आ गया, एक राइजिंग चैनल है, कंटिन्यूएशन चैनल है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको सब बता दिए गए हैं। दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे फेज पे अब आपको क्या शो कर रहा है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप कर रहा है रिलायंस डेली चार्ट पे। ये एक हम कह सकते हैं एक बुलिश तो हम कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये स्टॉक बहुत नीचे जा सकता है। ऊपर जाता है तो हमें अपने टारगेट्स इन बेसिस पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें नहीं पता वो कितना ऊपर जा सकता है, पर अगर नीचे जाता है तो हमारे टारगेट्स हमें फिक्स्ड हैं, पता चल जाएंगे। अब हमें किस तरीके से इस फेज़ टू को समझना है वो मैं आपको क्लियरली तरीके से समझाता हूँ गाइज। ये एक क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नहीं है, पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक मूवमेंट दी ऊपर की तरफ, नीचे आया, पहला शोल्डर कंप्लीट करा, दूसरी बात वो हेड बनाने के लिए नीचे, वो हेड बनाने के लिए गया, हल्का सा नीचे इसने डिप दी और फिर ऊपर गया, वो अपने प्रीवियस हेड की तरफ गया और दोबारा नीचे आ गया, फिर इसने सेकंड शोल्डर की ट्राई करी और फिर नीचे आ गया। सो हम कह सकते हैं कि ये एक डबल टॉप भी कह सकते थे, तो ये हमें से एक हेड मान के ही चलेंगे, एक हेड मान के चलेंगे। सो एक ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ से एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाई, या मैंने एक नेक लाइन बनाई सपोर्ट की, जहाँ पर वो एक सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट की बनाई, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसने अपमूव तो दिखाई, अपमूव दिखाने के बाद मैंने आपको ये लेवल बताया था, प्रीवियस स्विंग लो जो मैंने आपको 1250 का बताया था, वहीं से इसने एक अपमूव दिखाई। अब देखिए गाइस कैसे पता चला, 1250 आपने देखा था, मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं डेवलप करा था, न यहाँ पर मुझे कोई रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन या कुछ दिख रहा है। पर अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ चलते हैं तो जो नेकलाइन शो कर रही है वो यही शो कर रही है कि यहाँ तो सपोर्ट था
और यहीं से इसने मूवमेंट दी। सो क्लियरली पहला फेज दूसरे फेज से रिलेटेड है, यानी कि जो आपको ये चार पांच फेज सिखाए जाएंगे ये सारे एक साथ रिलेटेड होंगे, इससे हमारा एक कॉन्क्लूजन निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि ये ऊपर गया, यहाँ पर ऐसे 20 दिन का मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस फेस करने की इसने कोशिश करी और नीचे आ गया, नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आ गया। अब ये दोबारा कहाँ तक जा सकता है, 1250 तक। अब आप देख रहे हैं गाइस कि आपको क्या सजेस्ट करा जा रहा है, क्लियरली आपको देखिए कितनी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, कब आपको बाय करना है, 1250 पे। और आपको यहाँ क्या शो कर रहा है, अगर ये नीचे जाता है तो ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रही है, 1250 का लेवल। आपको इस लेवल यहाँ पर देखना है गाइस, ये अगर ये स्टॉक आज के दिन क्लोजिंग नहीं देती है, नीचे आ जाती या कल के ट्रेडिंग में नीचे आती, कब बाय करना था, 1250 के लेवल पे। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन आपको करके रखना था, आपको दिखा चुके हैं आपको स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल सेम तरीके से ही ये पैटर्न चलता है और बिल्कुल सेम तरीके से ही अगर आप इसमें बिहेव करके चलेंगे तो आप पैसा कमा पाएंगे। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अब पहले आपको फेस में क्या सिखाया गया है, बाय करना है। बाय कब करना है, जब ये 1250 के लेवल पे आए और नेकलाइन अगर ब्रेक होती है तो हम इसके प्रीवियस जो इसका लो है वहां पर अगर हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो हम अपने एक फ्रेश बाय बना सकते हैं। अब दूसरी चीज इसमें क्या सजेस्ट कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, पैटर्न का ब्रेक होगा 1230 के नीचे जाता है तो फ्रेश सेलिंग है। इसमें हमें क्या दिखा रहा है, ये बुलिश नहीं, ये बियरिश है। हेड एंड शोल्डर बुलिश कब होता है, जब ये उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, वो कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। गाइस अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक दोबारा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वही 1230 की लाइन, 1230 की लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद इसने जो नेक लाइन तोड़ी ये नीचे गया। नीचे जाने के बाद अगर ये 1230 के लेवल को तोड़ता है तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और वहां से जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे वो टारगेट्स हम लोअर लेवल्स तक के भी कर सकते हैं, यानी कि 1100 तक के लेवल्स तक भी ये जा सकता है, 1100 के लेवल तक भी जा सकता है। और दूसरा टारगेट क्या होता है, जो इसका शोल्डर होता है, इसका शोल्डर होता है तक वो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका शोल्डर ने मूवमेंट दिखाई है 1200 के लेवल से, हम कह सकते हैं 1300 के लेवल तक। आप देख सकते हैं 1200 के लेवल से 1300 के लेवल तक की इसकी हाइट है। तो अगर हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो वो ब्रेकडाउन उस तक टारगेट, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो 100 पॉइंट यहाँ से नीचे गिर सकता है। 100 पॉइंट अगर 1200 उसके लेवल से गिरता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1130-1100 तक लेवल तक ये रिलायंस जा सकता है। सो ये सब सेफ ट्रेडर के हम सलाह में लेकर चल रहे हैं। सेफ ट्रेडर पे क्या था, अगर ये इस लेक लाइन के नीचे तोड़ता है तो आपके लिए शॉर्ट पोजीशन है, वरना अगर इसके सपोर्ट में यहाँ पर होल्ड करके ऊपर जाता तब हमारे लिए बाय पोजीशन है। यहाँ पर ये क्या सजेस्ट कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो इसने बनाया कि अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तब हमारे लिए टारगेट्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे, अगर ये नेक लाइन के ऊपर सस्टेन करके रहता है तो हमारे लिए फ्रेश बाय बनेगा। सो आपको नीचे की तरफ भी टारगेट पता चल गए हैं, ऊपर की तरफ भी टारगेट पता चल गए हैं। अब इसमें और क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है, मैं यहाँ पर जो सेगमेंट है, जो ट्रेंड लाइन है उसकी वो ब्रॉड रेंज बढ़ा देता हूँ। अब देखिए गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो RSI है, 14 की RSI है जो मैंने ड्रॉ बना रखी है, मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जो ऊपर के रेजिस्टेंस है, ऊपर के रेजिस्टेंस को मिला दिया, एक सेकेंड गाइस, जी गाइस अब आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम करता हूं और इसे थोड़ा ऊपर लेकर आता हूं। अब गाइज आपको यहां पर क्या दिख रहा है, हमारे चार्ट में हमें सजेस्ट कर रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका सबसे ज्यादा मोमेंटम हमें कब देखने को मिलेगा, जब वो बॉटम की नेकलाइन को ब्रेक करता है या ब्रेक डाउन दिखाता है। ठीक है गाइज, अब इस चार्ट में हमें क्या सजेशन मिल रहा है, एक सेकेंड, इस चार्ट में हमें क्या बता रहा है कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप कर रहा है। ये देख सकते हैं इसका पहला शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका दूसरा शोल्डर। गाइस अब आप देख सकते हैं RSI आपको बोल रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न RSI में बनाया है, अगर यहां से ये इसके ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं एक बुलिश बन सकता है। अब किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर सपोर्ट है, मैंने आपको पहले फेज में भी बताया यहां पर सपोर्ट है चैनल का, एक चैनल का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1230 के लेवल पे, और या अगर हम कह सकते हैं कि 1280 के लेवल पे। अब मैं इसे जरा हटा देता हूं और ये पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1230 के और 1250 के लेवल पे। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए,
अब आप क्लियरली मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक पे नोट करिएगा। मैंने आपको पहले फेस पे बताया बाय करना है कब, जब ये 1230 के ऊपर कंसोलिडेट करें और उसके ऊपर निकलने की कोशिश करें तब। अभी हम बाय के बारे में बात करें, सेल को भूल जाइए। अगर हमारे RSI का इंडिकेटर क्या सजेस्ट कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने डेवलप करा है, अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम अपनी इसमें बाय पोजीशन रिलायंस के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। अब हमें नेक लाइन इसकी ब्रेक कब होगी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न, जब ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और अगर ये अपने कंसोलिडेट करके दोबारा अपने 1250 के लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये जो RSI की लाइन है, ये इसको तोड़ दे और ऊपर की तरफ बढ़ जाए। तो हमें हर तरीके से सिग्नल मिलेगा। पहला सिग्नल क्या था कि चैनल एक रेंज के अंदर, ये दोबारा चैनल के अंदर घुस गया और अपने रेजिस्टेंस चैनल की ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरा, जो इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है RSI पे, वो उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो बाय पोजीशन है। तीसरी, आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर की यहाँ पर नेक लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है, अगर उसके ऊपर दोबारा निकल जाता है तो बाय पोजीशन है। तो तीन चीज़ें जो हमें सजेस्ट कर रही हैं दो फेज के अंदर कि रिलायंस में बाय पोजीशन अभी इनिशिएट करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन हमें इनिशिएट नहीं करनी चाहिए जब तक वो 1230 के लेवल को तोड़ के नहीं क्लोजिंग बेसिस में जाता। अब आपको दो फेजेस में समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ। तीसरे फेज में हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पे आप देख ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए ये लाइन्स हटा देता हूँ, इस बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। ये हम मई की बात कर रहे हैं, मई से लेकर अभी तक की। सो आप सिर्फ इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए। इस बॉक्स में हमने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से एक गिरावट आई, नीचे गया। ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ से नीचे गया, 1400 के लेवल से हमने देखा ये 1200 के लेवल तक चला गया। 200 रुपये की इसने गिरावट दिखाई थी मई में, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रिकवरी आई, रिकवरी में ये ऊपर बढ़ा और एक रेंज की तरफ ट्रेड करने लग गया। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक पोल बनाया, यहाँ से इसने रिकवरी दिखाई 1200 के लेवल से 1400 तक पूरा चला गया। हमने देखा कि अपने जो इसने प्रीवियस की जो इसकी फॉल थी उससे पूरा रिकवर कर गया। ये 15 दिन के अंदर इसमें एक ये फॉल आया था 200 पॉइंट का, और एग्जैक्ट 15 दिन के अंदर अंदर ही उसने वो 200 पॉइंट के लॉस को रिकवर कर लिया और वहाँ से एक पोल पैटर्न बनाया, पोल बनाया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब देख सकते हैं ये स्टॉक हमारा जो प्रीवियस चैनल मैंने बनाया था, वो देखिए आप चैनल है लॉन्ग टर्म, ये जो राइजिंग चैनल की तरफ बढ़ रहा है। इस पैटर्न में क्या जैसे कर रहा है, ये जो चैनल है वो डाउन टूवर्ड्स बन रहा है। आप देख सकते हैं जो लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं। अब ये पैटर्न क्या बना रहा है, ये बना रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, यानी कि ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग है, ये भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर वर्क कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस चैनल के अंदर ट्रेड करा, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर बढ़ा, ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करा पर शैडो छोड़ के दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया और हमने फिर गिरावट देखी। गिरावट देखने के बाद इसने देखा, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया, अपनी शैडो को ही टेस्ट करा उसने ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस पे और दोबारा नीचे आ गया। अब हम देख रहे हैं इसने कल के ट्रेडिंग सेशन पे, हम कह सकते हैं इसने इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी। अब हमारे लिए जब गाइस अगर कोई चैनल या कोई पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें देखना होता है कि वो ब्रेकआउट के बाद कोई वहाँ पर रेजिस्टेंस तो नहीं है जहाँ से वो हमें एक फॉल्स सिग्नल दे दो और दोबारा अपने चैनल के अंदर ट्रेड कर ले। हाँ, ये हमें फॉल्स सिग्नल देखने को मिला। हमने देखा 20 दिन का मूविंग एवरेज था, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस फेज में भी बताया कितना इंपॉर्टेंट था, वहाँ इसने अपने शैडोज छोड़ी और दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और एक्सटेंड करने पे मुझे लगता है अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सटेंड करी हुई है 1230 के लेवल पे। आप इसको यहाँ गौर करिए गाइस, अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे बढ़ता है तो इसकी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो कहाँ पर आ रही है, 1230 के लेवल पे। अब आपको दो फेज में क्या सिखाया था, 1230 का लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है गाइस। अब मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ क्या होगा इसमें, यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर ये एक पैटर्न डेवलप करने का। ये स्टॉक अभी इस चैनल के अंदर ही कंसोलिडेट करेगा, मैं इस ट्रेंड लाइन को ना अभी बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आएगी गाइस। जी गाइस, इसे थोड़ा और नीचे कर दिया जाता है। हाँ, अब मैं यहाँ पर खुद लाइनें बनाऊंगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये स्टॉक ने यहाँ से कल एक हमने देखा, मैं इसका रेंज इंक्रीज कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि कल मार्केट ओपन हुई, स्टॉक गया नीचे, नीचे चला गया गाइस।
अब हम अगले दिन देख रहे हैं ये स्टॉक फिर ऊपर बढ़ा, बढ़ता स्टॉक ऊपर, फिर हम देखते हैं अगले दिन फिर बढ़ता है ऊपर, फिर देखते हैं फिर अगले दिन ऊपर बढ़ता है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे पहुंच गया। उसके बाद हमने वहां पर सपोर्ट हमने देखा, वहां पर हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। अब हम दोबारा नीचे आते हैं, ये आ गया है एकदम से फॉल आ गई, आप देख सकते हैं एकदम से फॉल आ गई इसमें पर्टिकुलर स्टॉक पे। अब क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ तो बॉटम बनाया 1230 के लेवल पे, मैंने आपको क्या बोला 1230 पे कंसोलिडेट करता है, बाय करिए 1260 तक तो ये जा सकता है। 1260 का आपको पहली रेंज में टारगेट बताया था जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां से ही दोबारा नीचे आता है, दोबारा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और यहां से इस लेवल से ये इस चैनल के ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है। अब मुझे कैसे पता कि ये चैनल का ब्रेकआउट इसी लेवल से आया, यहां से क्यों ब्रेकआउट नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स पे आपको क्या दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1223 का लेवल। ये स्टॉक हल्के हल्के 1223 के लेवल पे आएगा, अपने ये जो इसका फ्लैग एंड शेप पैटर्न है ये इस चैनल के अंदर फ्लैग के अंदर तब तक ट्रेड करेगा जब तक ये 1230 के पास नहीं आ जाता, और वहां से ये एक अपमूव देगा और इस चैनल का ब्रेकआउट दे देगा। तीन फेज समझाए, तीनों फेज में आपको 1230 का महत्वपूर्ण का लेवल पता चल गया, किस तरह इंपॉर्टेंट है, वहां पर कितने सपोर्ट हैं, किस तरीके से ये पैटर्न बना रहा है। पहले फेज में राइजिंग चैनल था, वहां पर आपको बाय की सलाह दी, दूसरे फेज पे आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, कब आपको बाय करना है बता दिया गया था, सेम लेवल पे आपको सब चीजें बाय करवाई जा रही है सेम लेवल पे। तीसरे पैटर्न बनाया फ्लैग एंड शेप पोल पैटर्न था, वहां पर आपको कब बाय करना है, कब ब्रेकआउट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के होराइजन से आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है सब बता दिया गया। अब आते हैं हम चौथे फेज की तरफ, चौथे बेस में अब हमने इसमें वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है। वीकली चार्ट में आप खुद देख रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा होगा, वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस में ऐसा क्या है कि ये बार बार चैनल के अंदर घुस जाता है ब्रेकआउट देने के बाद, एक चैनल के अंदर ट्रेड करता है फिर ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देने के बाद जब वो अपने हायर लेवल्स तक पहुंच जाता है फिर वहां से वो चैनल बनाना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है फिर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है। अब आप ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं एक चीज हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको और दिखाना चाहूंगा कि नेकलाइन कितनी अच्छी है और कितना सपोर्ट का काम कर रही है। ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन को मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा, और जब मैं इस नेकलाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक ने इस नेकलाइन का ब्रेक करा, यहाँ से स्टॉक नीचे आया उसके बाद ऊपर गया, नेकलाइन पे ही इसने अपना सपोर्ट देखने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर स्टॉक नीचे आ गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आ गया, फिर स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर अब भी मैं यहाँ पर एक चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक चैनल दिख गया, देख सकते हैं ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, चैनल का ब्रेकआउट आया, इसने नया पैटर्न डेवलप करा। सो गाइस ये एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ये नेकलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको खुद ही पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि वीकली चार्ट में ये क्या चैनल्स को फॉलो करता है रियली रिलायंस पिछले टाइम में कि नहीं करता। अब आप देख सकते हैं ये मैंने 2009 का खुला हुआ है, 2009 हम कह सकते हैं जून, आप देख सकते हैं 2009 से जून से ये अपने एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, वीकली चार्ट है तो ये 2009 के साल का लेवल है, 2009 में ये चैनल पे ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली ये ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और अपने सपोर्ट को फेस कर रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसने ब्रेक डाउन दे दिया, चैनल का ब्रेक डाउन देखने को मिला हमने किस लेवल से, आप देख सकते हैं 450 के लेवल पे हमने इस चैनल का ब्रेक डाउन देखा, और कहाँ तक गया ये 350 तक का, यानी कि 100 पॉइंट का हमने देखा कि इस पर एक हर्डल हमें देखने को मिली। अब 100 पॉइंट की गिरावट कैसे आई, चैनल की अगर हम रेंज को नापें आप देख सकते हैं चैनल की जो इस नेक लाइन है जो सपोर्ट की चैनल की ट्रेंड लाइन है वो है 450 पे, और जो हायर साइड पे है वो है 550 पे, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला, 100 पॉइंट का नीचे टारगेट हमें अचीव हो गया, वहां से इसने रिकवरी दिखाई, रिकवरी दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि उसी चैनल पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आ गया, और ये चैनल के ट्रेंड लाइन को कब तक ब्रेक नहीं कर पाया आप देख सकते हैं, मैं इसे एक्सटेंड करते रहूंगा तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के चैनल को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, ये देखिए गाइस
कितनी ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, तीसरी बार करा और उसने नया पैटर्न डेवलप कर लिया, नया चैनल के अंदर घुस गया और वो चैनल का भी जो इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो भी लॉन्ग टर्म यानी कि 2009 से चली आ रही है, यानी कि 5 साल तक ये पर्टिकुलर अपने इस सपोर्ट की लाइन को तोड़ा और उसके ऊपर नहीं निकल पाया। अभी आपको एक बार और क्लियरली तरीके से सिखाया जाता है, ये एक चैनल है, आप सिर्फ इतने चैनल की तरफ फोकस करिएगा, सिर्फ ये इतना पार्ट की तरफ, आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेक जब करा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तो उसी सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस मान लिया। जब ये वाली जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है मैंने उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करी, तो एक्सटेंड करते हुए मुझे पता चला कि वो 2009 पे जब इसने ब्रेक करा, 2011 पे हम देख रहे हैं इसने ब्रेक करा, 2011 पे ब्रेक करा तो 2014 तक ये उस नेक लाइन को रेजिस्टेंस ही मानते रहा, उसके ऊपर नहीं निकल पाया। अब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसने काम करा। ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट लेते रहा, रेजिस्टेंस फेस करता रहा, एक दिन इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं इस लेवल से यानी कि 460 से इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और वो सीधा 480 चला गया। अब आप देख सकते हैं वो दोबारा नीचे आया, उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अपमूव आ गई। अब हमें किस तरीके से हमें इस ट्रेंड लाइन को दोबारा एक्सटेंड करना चाहूँगा और आपको क्लियरली एक बार दिखाना चाहूँगा। ये मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। जी गाइस, अब आप क्लियरली तरीके से देखिएगा, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ कितनी बार अब इसे सपोर्ट मानने लग गया, जो ट्रेंड लाइन पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जैसे ये 4 साल के अंदर तोड़ नहीं पाया था, वो इसका सपोर्ट का काम करने लग गया, फिर तोड़ा, फिर रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, अब फिर उसी चैनल पे यहाँ सब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं अगर इस लाइन को और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं इसे दोबारा बढ़ाता हूँ, सो आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा इसने। सो ये चैनल, ये रिलायंस हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि रिलायंस अगर कोई चैनल बनाता है या कोई चैनल पे ट्रेड करता है और अगर उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, सो वहाँ से वो एक बार रिकवरी दिखाता है, अपने चैनल की तरफ बढ़ने की दोबारा कोशिश करता है और वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन शॉर्ट की तरफ ले लेनी चाहिए। अगर वो चैनल ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हमारे लिए बाय पोजीशन खुल जाती है और क्लियरली जो चैनल का डिफरेंस होता है वही टारगेट हम देखते हैं कि हमें अचीव हो जाता है। ठीक है गाइस, अब मैं आपके लिए दोबारा ये इसे यहाँ रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं पहला इसने चैनल बनाया, फिर दूसरी बार चैनल बनाया, फिर इसने देख सकते हैं तीसरी बार चैनल बनाया, फिर चौथी बार चैनल बनाया, फिर पांचवी बार चैनल बनाया और चैनल का रेजिस्टेंस था वही। अब देखिए आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यही जो चैनल इसने बनाया, ये जो चैनल पे ट्रेड कर रहा था, आप सिर्फ इतने पार्ट को देखिएगा, इस वाले पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को आप देखिएगा कि चैनल के अंदर ट्रेंड कर रहा था, मैंने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करा, आप देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, अब तीसरी बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है जो लेवल है। ये सारे फेज, ये जो मैंने आपको 4 फेज अभी तक समझाया है, ये चारों फेज आपको एक बात क्लियरली बता रही है कि आपको कब बाय कब सेल पोजीशन को इनिशिएट करना है और रिलायंस में किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे ये पहला जो पैटर्न मैंने आपको कंटिन्यूएशन चैनल पैटर्न बताया, चैनल बताया, यही ज़्यादातर रिलायंस फॉलो करता है, कोई हेड एंड शोल्डर नहीं, कोई पीनट, कोई फ्लैग पैटर्न फॉलो ज़्यादातर नहीं करता। पर इस चैनल के अंदर अगर वो उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना रहा है और फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो वो हमें गेस्ट करता है कि चैनल को वो कब तोड़ सकता है या तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। तो आपको मैंने फ्लैग का पैटर्न बताया, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताया, दोनों सजेस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं तोड़ेगा और वहाँ से मूव दिखाएगा। तो चैनल हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि 1230 के आसपास बढ़िया बाय है रिलायंस के लिए और जो सेफ ट्रेडर है उन्हें यही सलाह दी जाएगी 1230 पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है और नेक लाइन की तरफ बढ़ने के नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, चैनल के अंदर दोबारा घुस जाता है, सो बाय करके चलिएगा और आप 1400 के लेवल भी अचीव कर जाएंगे। मुझे लगता है एट अ मैटर ऑफ टाइम 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। आखिरी फेज की तरफ हम बढ़ते हैं, आखिरी फेज पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, जो कि है सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस अगर हम बात करते हैं रिलायंस के में, तो मैंने यहाँ पर 100 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की और 50 दिन की और 20 दिन की मूविंग एवरेज लगाई हुई है। मैंने आपको क्या बताया था, 1230 का लेवल, अगर आपको ध्यान होगा, स्टॉप लॉस क्या बताया था, 1225 का लेवल,
वहां पर ही आपको बताया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस जो स्विंग लो है मैंने वहां पर एक लाइन बनाई, ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पर भी आपके लिए बनाई थी, आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो एग्जैक्ट उसी प्रीवियस स्विंग लो पे ही जाके अपनी स्ट्रेट लाइन बना रही है, और हम देख सकते हैं कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है अगर रिलायंस पे, तो 1230 का लेवल कितना कितना इंपॉर्टेंट है। ये पांचों फेज में 1230 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस अगर हम पीछे जाते हैं, तो आप देखिएगा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को तो आप भूल जाइए, वहां पर तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार सपोर्ट ले चुका है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ गाइस, मूविंग एवरेज 200 पीरियड का यहाँ पर सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं 200 दिन के मूविंग पीरियड को ये ब्रेक ही नहीं करता, यहाँ सपोर्ट लिया तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, और यहाँ पर भी एक बार इसने लेने की कोशिश करी। तो ये एक क्रूशियल लेवल है, शायद 1200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे। और मैंने आपको क्या सलाह दी थी कि गाइस 1230 के लेवल के नीचे जाता है तो हमारे लिए फ्रेश सेलिंग है, और 1230 का लेवल क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब इतने टाइम से ये 200 दिन का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा, और अगर बाय मैटर ऑफ टाइम ये ब्रेक कर देता है, तो हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये सारे फेज आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने आप पता चल गया होगा। अब हम 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज पे आप फॉलो करके चलिएगा गाइस। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ जी गाइस। अब आप देख सकते हैं कि लाल वाली 20 दिन की है और ब्लू वाली 50 दिन की है। जब तक आप इस बात को नोट करिएगा, रिलायंस में आपको बता रहा हूँ, हर स्टॉक में ऐसा काम नहीं होता, जब तक 20 दिन की मूविंग एवरेज जैसी काट के 50 दिन की मूविंग एवरेज को जैसे ही काट के 20 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर बढ़ती है, तो रिलायंस का स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 20 दिन के मूविंग एवरेज ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को काटा और ऊपर की तरफ बढ़ा, स्टॉक ने एक रैली दिखा दी। शॉर्ट 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 छोटे मोटे तो हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन आती है फिर ऊपर बढ़ जाता है। अब आप देखिएगा 20 दिन के मूविंग एवरेज ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ जैसे ही काटा, हमने 3 दिन के अंदर अंदर हमने देखा कि यहाँ से 100 से 150 पॉइंट तक की गिरावट आ गई, और वहीं उसके नीचे ही ट्रेड करते रहा, उसके ऊपर नहीं निकला। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इसने 20 दिन की मूविंग एवरेज ने उसको तोड़ा, यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ट्रेड करते रहा, ऊपर ट्रेड करते रहा, हल्के हल्के जाते ऊपर जाते रहा। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जब तक ये 50 दिन की नेकलाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा स्टॉप लॉस, हम अपनी बाय पोजिशन को इनिशिएट करके रखेंगे। अब मूविंग एवरेज ने हमने देखा इस पर्टिकुलर काउंटर से जो इसने हाई मारा, वहां पर इसने 20 दिन की एवरेज 50 दिन की एवरेज को तोड़ दिया, नीचे की साइड हम देख रहे हैं हल्के हल्के स्टॉक करके नीचे आ ही गया। यानी कि कहाँ पर इसने तोड़ा, 1330 के लेवल, 1340 के लेवल से ये हल्के हल्के करके 1250 के लेवल तक आ ही गया। अब हम देखते हैं कि ये अगर पर्टिकुलर काउंटर हल्के 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 नीचे आता है 1225 तक या 1230 तक पहुँचता है, और ये एक ऊपर की तरफ रिवर्सल देती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट आता है, ये दोनों अगर हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन होता है, तो हम अपनी एक फ्रेश बाय बना सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन भी आपको समझा दिया गया, आपको पैटर्न्स भी समझा देगा इसके अंदर, आपको सब कुछ समझा दिया गया गाइस। अब आपको क्या बताया जा रहा है गाइस कि रिलायंस की आपको पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज प्रोवाइड करा दी गई है, ए टू जेड आपको रिलायंस के अंदर सिखा दिया गया, सारे फेजेस आपको सिखा दिए गए हैं किस तरीके से रिलायंस में आपको काम करके चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। आप देख सकते हैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है, तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और वीडियोज बनाने के लिए। और खास बात गाइस कि अगर आपको ट्रेड टॉक की तीसरी वीडियो चाहिए, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ट्रेड टॉक की, अगर आपको चाहिए कि मैं तीसरी वीडियो और पर्टिकुलर स्टॉक पे बनाऊं, तो इसी वीडियो पे जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन पे अपने पर्टिकुलर स्टॉक का, अपने फेवरेट स्टॉक का नाम लिखकर मुझे दीजिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं ऐसी डेप्थ एनालिसिस उस स्टॉक पे भी करूँ। और अगर आप लोग देखते हैं कि उस कमेंट सेक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर स्टॉक आपका पहले से ही है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, जिस पे सबसे ज़्यादा स्टॉक पे लाइक होंगे मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो जो भी मेरे व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो, मैं आपसे यही सलाह लूंगा कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई ना कोई डाउट तो होता ही है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पे आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में 1 मिनट लगेगा, आप लिख दीजिएगा, आपके लिए ही वो एक फ़ायदेमंद साबित होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल आपको समझ में आता है, मेरी सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ ऐसी अपलोड करती रहूँ।
तो गाइस इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ परसों नई ट्रेड टॉक की सीरीज के नए वीडियो के साथ। तो आपके पास 2 दिन है इस पे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, तो आप तुरंत स्टार्ट हो जाइए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।